Greetings to all. This is our next lecture. In the previous lecture, we have seen the fault and the types of faults. So that was the first part of the faults and the types of faults. This is the second part of the faults. So in which we will discuss about the another classification of the faults. So let's start with the third classification of the faults. In the previous lecture, we have seen the two types of classification, that is classification 1 and classification 2. Now we will discuss about the classification 3. So in classification 3, we have four types of faults. The first one is parallel fault, second is step fault, third is graben and host fault, and the fourth one is wrench fault. So we will see one by one the classification third fault. So the first fault of classification 3 is parallel fault. So what is a parallel fault? A series of faults that have the same strike and dip are called the parallel fault, and such faults run parallel to one another and in the same direction with the same angle. As we have seen or discussed the fault, what is fault? Fault is the nothing but the displacement of the rock blocks away from each other. This is called the fault. So जैसा कि हमने previous lecture में discuss किया है कि fault क्या होता है, हमारा fault होता है कोई भी rock blocks का displacement होना within each other or relative to each other, उस structure को या उस process को हम बोलते हैं fault. और हमें ये पता है कि जो फॉल्ट है उसमें एक पार्ट ऊपर चला जाता है और दूसरा पार्ट नीचे रहता है. ऊपर वाले पार्ट को जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है उसको हम बोलते हैं फुट वॉल, और जो नीचे के डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है उसको हम बोलते हैं हैंगिंग वॉल. अब हम पैरेलल फॉल्ट की बात करें तो पैरेलल फॉल्ट एक नॉर्मल फॉल्ट है जहाँ पे हमको बहुत सारे, मतलब एक ही रॉक फ्रैक्शन में या एक ही रॉक ब्लॉक में बहुत सारे पैरेलल फॉल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, या सीरीज ऑफ फॉल्ट देखने के लिए मिल सकता है, उसको हम बोलते हैं पैरेलल फॉल्ट. जैसे कि इस इमेज में हम देख सकते हैं यहाँ एक फॉल्ट का स्ट्रक्चर है, देन दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड. तो ऐसे ही हमको F1, F2, F3 ये इंडिकेट करता है हमारे फॉल्ट लाइन को, और यहाँ हमको तीन फॉल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं. इमेजिन ये जो ब्लॉक्स है रॉक, ये एक टाइम पे पूरे यूनिफॉर्म होंगे, हॉरिजॉन्टल होंगे, बट जैसे ही इसमें फॉल्ट क्रिएट हुआ है ड्यू टू दी टेक्टोनिक फोर्सेस और टेक्टोनिक मूवमेंट, यहाँ पे हमको एक पैरेलल फॉल्ट और अरेंजमेंट ऑफ पैरेलल फॉल्ट देखने के लिए मिलता है. तो इस टाइप के फॉल्ट को हम बोलते हैं पैरेलल फॉल्ट. ये सीरीज में होते हैं, सीरीज मैनर में होते हैं, और इनकी डिप और स्ट्राइक सेम होती है. स्ट्राइक क्या है और डिप क्या है ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल एक्सप्लेन इन दी नेक्स्ट लेक्चर. बट अगर आपको स्ट्राइक एंड डिप पता है तो आप इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. जब तक कि आपको स्ट्राइक एंड डिप का कन्फ्यूजन सॉल्व नहीं होगा, आप फॉल्ट को ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. सो डिप एंड स्ट्राइक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्ट्राइक एंड डिप, अदरवाइज यू कान अंडरस्टैंड द फॉल्ट मैकेनिज्म. ओके, सो ये है हमारा पैरेलल फॉल्ट जिसमें हमें सीरीज ऑफ फॉल्ट देखने के लिए मिलता है, और पैरेलल फॉल्ट में हमारे डिप एंड स्ट्राइक सेम होते हैं बिकॉज वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के. एंड सच पैरेलल फॉल्ट रन टू वन अनादर एंड इन द सेम डायरेक्शन. जैसा कि मैंने बताया कि ये सेम डायरेक्शन में पैरेलल फॉल्ट रन होते हैं और सेम एंगल कंसिस्ट करते हैं, इनका डिप एंड स्ट्राइक भी सेम होता है. सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द पैरेलल क्लासिफिकेशन थर्ड टाइप ऑफ द फॉल्ट. नाउ वी विल सी द स्टेप फॉल्ट. सो जैसा हमने पैरेलल फॉल्ट में देखा वैसा ही स्टेप फॉल्ट है, बट यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ये भी पैरेलल होते हैं, बट यहाँ पे जो हमारे जो ब्लॉक्स है रॉक फॉर्मेशन या रॉक ब्लॉक, वो एक दूसरे के नीचे नीचे डिस्प्लेस्ड होते हैं. जस्ट लाइक अ स्टेप,
एक सीढ़ी की तरह वो ब्लॉक्स आपस में डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, एक दूसरे से मूव होते हैं, तो वो एक स्टेप लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं और स्टेप लाइक अपीयरेंस होता है. तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इस टाइप के फॉल्ट को हम स्टेप फॉल्ट बोलते हैं. सो द टर्म स्टेप फॉल्ट इज अप्लाइड टू दोज पैरेलल फॉल्ट वेयर द डाउन थ्रो ऑफ ऑल आर इन द सेम डायरेक्शन. जैसा कि मैंने बताया कि जहाँ यहाँ पे जो हैंगिंग वॉल है, हमें पता है हैंगिंग वॉल किस ब्लॉक को बोलते हैं. जो ब्लॉक नीचे की तरफ मूव होता है उसको हम बोलते हैं हैंगिंग वॉल, और जो ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव होता है उसको हम बोलते हैं फुट वॉल. मतलब यहाँ जितने भी हैंगिंग वॉल है वो एक दूसरे के नीचे इस तरीके से डिस्प्लेस्ड होंगे कि वो एक स्टेप लाइक स्ट्रक्चर या इमेज शो करेंगे. तो इस टाइप के फॉल्ट को हम बोलते हैं स्टेप फॉल्ट, और इनका डायरेक्शन भी सेम होता है. एंड इन दिस फॉल्ट द डाउन थ्रो प्रोड्यूस अ स्टेप लाइक स्ट्रक्चर. सो एज वी सी दिस इज अ स्टेप लाइक स्ट्रक्चर. सो बिकॉज ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द फॉल्ट जस्ट लाइक अ स्टेप, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इस टाइप के फॉल्ट को हम स्टेप फॉल्ट बोलते हैं. ठीक है, ये पैरेलल फॉल्ट और ये स्टेप फॉल्ट. इसमें भी जो इनकी फॉल्ट लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, बट ऑन द बेसिस ऑफ द अपीयरेंस ऑफ स्टेप लाइक मैनर और सीरीज ऑफ स्टेप लाइक फॉल्ट. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इज कॉल्ड द स्टेप फॉल्ट एंड दिस इज कॉल्ड द पैरेलल फॉल्ट. नाउ नेक्स्ट इज ग्रेबन और रिफ्ट फॉल्ट. सो ग्रेबन आर लॉन्ग एंड रिलेटिवली नैरो फॉल्ट थ्रू bounded by a parallel high angle fault, and this structure is produced when two parallel normal fault head towards each other and the rock beds between them are thrown down under the influence of gravity forming a topographic low features. So basically इस type के fault में क्या होता है, ग्रेबन और rift fault. हमने rifting देखा है plate tectonics वाले lecture में कि rifting क्या होती है. जब भी कोई रॉक ब्लॉक्स का या रॉक फॉर्मेशन का स्प्लिट हो जाना या डिस्प्लेस्ड हो जाना आपस में, उसको हम बोलते हैं रिफ्टिंग. यहाँ पे भी वही हुआ है. ये पूरा एक कंटिन्यू और यूनिफॉर्म रॉक फॉर्मेशन होगा. जब यहाँ पे टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ है, टेक्टोनिक फोर्सेस अप्लाई हुई है, जैसे कॉम्प्रेशनल टेंशनल फोर्सेज, हमें पता है फॉल्ट क्यों बनते हैं. Because of the tectonic forces or tectonic movement, we got the faults. So, जब यहाँ पे कोई भी movement हुआ होगा तो ये जो uniform structure है rock formation का, ये आपस में displaced हो गए. जैसे कि हम इस image में देख सकते हैं, ये एक block है, ये एक block है, ये एक block है, ये एक दूसरे से relatively move हुए है in a narrow formation. जैसे ये एक block ऊपर रह गया, then सेकेंड ब्लॉक नीचे, फिर देन थर्ड ब्लॉक ऊपर, फिर नीचे. मतलब एक अल्टरनेट मैनर में, जिनको हम बोल सकते हैं अल्टरनेटिवली आपस में डिस्प्लेस्ड हो गए हैं. तो इस टाइप का स्ट्रक्चर हम उसे बोलते हैं ग्रेबन एंड हॉस्ट. सो जो नीचे का जो ब्लॉक होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेबन, और जो ऊपर की तरफ मूव होता है उसको हम बोलते हैं होस्ट. ठीक है, सो जो ग्रेबन होता है वो नीचे की तरफ मूव होता है और जो होस्ट होता है वो ऊपर की तरफ मूव होता है. सो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रेबन एंड होस्ट स्ट्रक्चर. नाउ इफ यू टॉकिंग अबाउट द होस्ट, सो व्हेन टू पैरेलल नॉर्मल फॉल्स आर अवे फ्रॉम वन अनादर एंड द रॉक्स ब्लॉक्स बिटवीन देम इज अपलिफ्टेड टू फॉर्म अ रिज लाइक स्ट्रक्चर, सो दिस इज कॉल्ड द होस्ट. सो यहाँ हम देख सकते हैं ये एक रिज लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज ऑल्सो अ रिज लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, सो ये जब दो ब्लॉक्स आपस में नॉर्मल फॉल्ट बनाएंगे, मतलब नॉर्मल फॉल्ट आपस में मूव करते हैं और एक ब्लॉक नीचे जाता है और एक ऊपर जाता है, और जो ऊपर वाला जो ब्लॉक है जो रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम बोलते हैं होस्ट, और जो नीचे के तरफ मूव होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये क्यों मूव होता है, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, तो ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से नीचे मूव होता है और ये वाला जो ब्लॉक है अपलिफ्टेड हो जाता है, ऊपर तरफ मूव हो जाता है, अपलिफ्ट हो जाता है और एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसको हम बोलते हैं होस्ट और इसको हम बोलते हैं ग्रेबन. ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं
और इनका जो डिप एंड स्ट्राइक का डायरेक्शन है ये सेम होता है। और यहाँ पे नॉर्मल फॉल्ट बोला है, नॉर्मल फॉल्ट हमें पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है व्हाट इज़ नॉर्मल फॉल्ट एंड व्हाट इज़ रिवर्स फॉल्ट। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो यू कैन अंडरस्टैंड दी व्हाट इज़ नॉर्मल फॉल्ट। ठीक है, सो नॉर्मल फॉल्ट एक ऐसा फॉल्ट होता है जहाँ पे एक रॉक का ब्लॉक ऊपर जाता है और एक रॉक ब्लॉक नीचे जाता है। जो ऊपर वाला रॉक ब्लॉक होता है उसको हम फुटवॉल बोलते हैं और जो नीचे वाला रॉक ब्लॉक होता है उसको हम हैंगिंग वॉल बोलते हैं। तो यहाँ पर इस रॉक फॉर्मेशन में या इस रॉक ब्लॉक में हमें पैरेलल सीरीज़ में नॉर्मल फॉल्ट देखने के लिए मिलता है और उस सीरीज़ में हमें एक जो ब्लॉक है वो ऊपर जाता है और एक ब्लॉक नीचे आ जाता है। जो नीचे आता है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो ग्रेबन स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है या उस टाइप के स्ट्रक्चर को हम ग्रेबन बोलते हैं, और जो ऊपर जाता है अपलिफ्ट होता है उस टाइप और रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं होस्ट। तो ऐसा ही कंटिन्यू स्ट्रक्चर हमको अर्थ सरफेस में या अर्थ सरफेस के नीचे देखने के लिए मिलता है। तो ये कंटिन्यू या तो ये सिंगल फॉर्मेशन भी हो सकता है या एक कंटिन्यू फॉर्मेशन भी हो सकता है, मतलब हमको इन दी विद इन दी अर्थ सरफेस हमें एक पूरा रॉक ब्लॉक इस टाइप का देखने के लिए मिल सकता है, मतलब इन दी कंटिन्यूटी इन दी कंटिन्यू मैनर हमको एक कंप्लीट रॉक ब्लॉक देखने के लिए मिल सकता है, जैसे ग्रेबन होस्ट देन ग्रेबन देन होस्ट। सो एक कंप्लीट अल्टरनेट मैनर में हमको एक ग्रेबन और होस्ट का फॉल्ट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, वैसे तो फॉल्ट के बहुत सारे टाइप हैं बट आप इतने सारे फॉल्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑफ यू आर अ सिविल इंजीनियर एंड यू हैव अ इंजीनियरिंग जियोलॉजी सब्जेक्ट। तो आपको सिर्फ बेसिक और इम्पॉर्टेंट फॉल्ट जो इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही पे फोकस करना है और दूसरे फॉल्ट पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो जो मैं आपको बता रही हूँ ठीक वही आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है। और हाँ, वन मोर थिंग, जितने भी डायग्राम्स है फॉल्ट के आपको एग्ज़ाम में डायग्राम के साथ ही आंसर लिखना है, विदाउट डायग्राम आपको मार्क्स नहीं मिलेगा बिकॉज फॉल्ट एंड फोल्ड एक स्कोरिंग क्वेश्चन है, एक स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आपने सारे फोल्ड एंड फॉल्ट अच्छे से कर लिया विद इन डायग्राम आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो डायग्राम एक भी नहीं छोड़ना है। अगर मैं यहाँ पे ग्रेबन एंड होस्ट डिस्कस कर रही हूँ तो आपको ये डायग्राम भी एग्जाम में निकालनी है, ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो आप विदाउट डायग्राम, अगर आपको डायग्राम नहीं आती है या आप नहीं निकाल सकते तो फॉल्ट एंड फोल्ड को अटेम्प्ट मत करना। मैं एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ तो एग्ज़ाम में आप फॉल्ट एंड फोल्ड अटेम्प्ट मत करना, और अगर आपको डायग्राम आती है तो आप फॉल्ट एंड फोल्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आउट ऑफ मार्क्स कैरी कर सकते हो। ठीक है, इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक। इफ़ यू नो द प्रॉपर आंसर विद द प्रॉपर डायग्राम then you can get the proper marks or out of marks। ठीक है, so ये है हमारा ग्रेबन एंड होस्ट। now we will see the next। so this is the next, that is wrench fault, and this is the last fault of the classification 3। so in this fault the faulting is happening due to the strike slip faulting and the displacement is horizontal, displacement of blocks is horizontal, the fault plane of a strike slip fault is more or less vertical and often extend for long distance also, and so because of these fault frequently strike across the trend of faults they are called the wrench fault। इस fault में क्या होता है, इस fault में जो faulting है वो होती है हमारे strike slip fault की वजह से। अब स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट क्या है, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट हमने क्लासिफिकेशन 1 एंड क्लासिफिकेशन 2 में सारे फॉल्ट को डिस्कस किया है। अगर आपको स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट नहीं पता है तो यू विल हैव टू वॉच प्रीवियस वीडियो फर्स्ट, देन यू विल अंडरस्टैंड दी व्हाट इज़ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट।
सो व्रेंच फॉल्ट में क्या होता है, व्रेंच फॉल्ट जो होता है हमारे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट की वजह से होता है। क्यों स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हम इस इमेज में देख सकते हैं ये हमारा एक कंटिन्यू रॉक फॉर्मेशन है, रॉक ब्लॉक्स है, जो रॉक ट्रेंड और डायरेक्शन ऑफ रॉक फॉर्मेशन को शो करता है उसको हम स्ट्राइक बोलते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्राइक है या ये जो रॉक फॉर्मेशन है ये आपस में एक दूसरे से डिस्प्लेस्ड हुए हैं। सो विद इन दी स्ट्राइक अगर कोई फॉल्टिंग बनती है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। ठीक है, तो ये व्रेंच फॉल्ट है वो हमारा स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट की हेल्प से बनता है, और ये जो मूवमेंट है ये हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। तो इस इमेज में हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देख रहे हैं, अदरवाइज ये वर्टिकल मूवमेंट भी शो करता है। अगर वर्टिकल होगा तो कैसा होगा, वर्टिकल अगर होगा तो ये वाला जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये ब्लॉक नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, देन ये वाला ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस तरीके से ये वर्टिकली भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है। एंड वन मोर थिंग इज के ये जो रेंज फॉल्ट है ये मोर और लेस समवॉट किलोमीटर में डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं या मीटर में डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं। इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द टेक्टोनिक फोर्सेस। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा ये डिस्प्लेसमेंट होंगे, और जितनी कम इंटेंसिटी होगी उतना कम ये आपस में डिस्प्लेसमेंट होंगे। ठीक है, और ये इस टाइप में डिस्प्लेसमेंट होते हैं, मतलब अल्टरनेट मैनर में। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं व्रेंच स्ट्रक्चर, एंड बिकॉज ऑफ दिस अपीयरेंस हम इस फॉल्ट को बोलते हैं व्रेंच फॉल्ट। ठीक है, तो ये वाला जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ स्लाइटली मूव हो जाता है, देन ये ब्लॉक नीचे एंड देन ये ब्लॉक ऊपर। अगर यहाँ पे एक और ब्लॉक होता तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव होता। ठीक है, तो अल्टरनेट मैनर में जो ब्लॉक्स है आपस में एक दूसरे से स्लाइटली मूव हो जाते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस टाइप के फॉल्टिंग को हम बोलते हैं व्रेंच फॉल्ट। ठीक है, तो व्रेंच फॉल्ट हमारा स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग की वजह से होता है, और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट क्या है ये आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, व्रेंच फॉल्ट हमारा हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है और वर्टिकली भी हो सकता है, और ये या तो मीटर में भी डिस्प्लेस्ड हो सकते हैं, किलोमीटर में या उससे भी ज़्यादा। ठीक है, सो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन दी इंटेंसिटी ऑफ दी टेक्टोनिक फोर्सेस। सो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं व्रेंच फॉल्ट। नाउ वी हैव डिस्कस दी फोर टाइप ऑफ फॉल्ट। ठीक है, पैरेलल फॉल्ट, स्टेप फॉल्ट, व्रेंच फॉल्ट, एंड वन मोर थिंग इज ग्रेबन एंड होस्ट। सो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में सो आपको ये तीनों क्लासिफिकेशन लिखना है विद इन डायग्राम। ओके, so this is the end of the lecture. We have completed the fold and types of fold, fault and types of fault. Okay, so if you have any queries you can ask in the comment section. Otherwise in the next lecture we will start the unconformity or the joints of rocks. So stay safe, stay healthy. Thank you.